विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उनकी अपील खारिज कर दी है। सीएस ने एक लाइन का फैसला सुनाते हुए विनेश की अपील खारिज की। इन्होंने फैसले में लिखा, 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशन को खारिज किया जाता है। इस फैसले के सामने आने के तुरंत बाद इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA ने रिएक्ट किया। IOA प्रेसिडेंट PT उषा ने एक बयान में कहा, 14 अगस्त के फैसले को ऑपरेटिव हिस्सा, जिसमें विनेश के पेरिस ओलंपिक्स 2024 में महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में साझा रजत पदक दिए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। विशेष रूप से उनके लिए और बड़े पैमाने पर खेल समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। उषा ने आगे कहा कि IOA के वकीलों ने इस बात को सही से सामने रखा था। उन्होंने कहा, 100 ग्राम की मामूली विसंगति और उसके चलते निकले परिणाम न केवल विनेश के करियर के संदर्भ में गहरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि अस्पष्ट नियमों और उनकी व्याख्या के बारे में भी गंभीर सवाल उठाते हैं। IOA का दृढ़ विश्वास है कि 2 दिन के इवेंट में से दूसरे दिन वजन से जुड़ी इस तरह की घटना के लिए एथलीट को पूरी तरह से अयोग्य घोषित करना गहरी जांच का विषय है। हमारे कानूनी प्रतिनिधियों ने सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष अपने सबमिशन में इसे उचित रूप से सामने रखा था। उषा ने यह भी कहा कि कुछ नियम महिलाओं के प्रति अमानवीय हैं। वो कहती हैं, विनेश से जुड़ा मामला उन कड़े और यकीनन अमानवीय नियमों को उजागर करता है जो एथलीटों विशेष रूप से महिला एथलीटों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनावों को ध्यान में रखते हुए नाकाम रहते हैं। ये एथलीट्स की भलाई को प्राथमिकता देने वाले अधिक न्याय संगत और उचित मानकों की आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अपनी बात खत्म करते हुए उषा ने कहा कि IOA विनेश के पक्ष में खड़ा है और आगे की लड़ाई भी लड़ेगा। उषा ने कहा, CAS के आदेश की रोशनी में IOA सुश्री फोगाट के पूर्ण समर्थन में खड़ा है और आगे के कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। IOA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विनेश के मामले की सुनवाई हो। हम खेलों में न्याय और निष्पक्षता की वकालत करना जारी रखेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि एथलीट्स और खेल जगत में सभी के अधिकार और सम्मान को हर समय बरकरार रखा जाए। हम अपने हितधारकों, एथलीट्स और जनता के निरंतर समर्थन और समझ की सराहना करते हैं। बता दें कि विनेश ने लगातार 3 मैच जीत 50 kg कैटेगरी के फाइनल में एंट्री की थी, जहां मैच की सुबह हुए वजन में वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाई गई और इसी आधार पर विनेश को डिस्क्वालिफाई करार दे दिया गया था। कहा गया कि अब वो इस इवेंट में लास्ट रहेंगे और उनके द्वारा जीते गए मैच रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद पहले राउंड में विनेश से हारी पहलवान रेपचेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल जीत गई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।